तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है जो कि है L, एंड L एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट सभी लाइंस का सेट है, एंड एक रिलेशन R हमें दिया हुआ है जो कि सेट L में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तब हमें ये प्रूफ करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इसके बाद हमें उन सभी लाइंस का सेट फाइंड करना है जो कि लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, एंड इस रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्वयं से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि लाइन स्वयं से पैरेलल होनी चाहिए, एंड हम जानते हैं कि प्रत्येक लाइन खुद से पैरेलल होती है। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर L1 कॉमा L1 R का ही एक एलिमेंट होगा। That means given relation R reflexive होगा। अब हम symmetric के लिए चेक करते हैं। यदि कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब लाइन L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि L1 L2 से रिलेटेड है एंड L2 भी L1 से रिलेटेड है। That means ordered pairs L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L1 दोनों ही रिलेशन R के एलिमेंट्स होंगे, इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। यदि लाइन L1 L2 के पैरेलल है एंड लाइन L2 L3 के पैरेलल है तो हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि लाइन L1 एंड L3 पैरेलल हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि L1 L2 एंड L2 L3 यदि R के ही एलिमेंट हैं, देन L1 कॉमा L3 भी R का ही एक एलिमेंट होगा। दैट मींस गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है R वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें वो सभी लाइंस का सेट फाइंड करना था जो कि लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड हो। अब इस लाइन से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि हमें उन सभी लाइंस का सेट फाइंड करना है जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल हो, क्योंकि हमें रिलेशन गिवन है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो इन लाइंस के रिलेटेड होने का मतलब ये है कि ये लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल होनी चाहिए। अब यदि हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का स्लोप फाइंड करें तो वह 2 के इक्वल होगा, एंड हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। दैट मींस हमें लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जो भी लाइन मिलेंगी उनका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां c हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आई होप आपको इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है कि हमने इसमें अलग अलग टाइप्स के रिलेशन के बारे में पढ़ा और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये भी पढ़ा। इसके बाद हमने ये देखा कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपको अपनी बुक से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।